शिवानी कुमारी ने साबित की अपनी ईमानदारी, सबूतों के साथ कर दिया राधा दीदी के झूठ का पर्दाफाश। शिवानी ने दिखाया सच तो भड़क गई राधा, कहने लगी आग लगा दो, मेरा मुंह बंद करा दो। पूरा गांव बना शिवानी और राधा के बीच जंग का मैदान। शिवानी ने कर दिया आखिरी ऐलान। देखिए सोशल मीडिया की लड़ाई कैसे गांव तक पहुंची। बन गए दो पक्ष, अब पंचायत की तैयारी। झूठे ना बोला करो और बात मत। झूठे तुम बोलते हो। हमारे मुंह से झूठ कभी सुने हैं कि राधा दीदी के बारे में हमने ऐसी उल्टी सीधी बोली है? बताओ लगा दो कैमरा आगे, छुआ दो माचिस। ये है राधा दीदी, आज से ये ना दीदी का मतलब शर्म आ रही है। यूपी के गाँव से निकल कर पूरे देश में छाने वाली सोशल मीडिया स्टार शिवानी कुमारी इन दोनों विवादों में ऐसी फंसी हैं कि अपना ब्लॉग बनाना भूल चुकी हैं। अपने गानों और रील्स पर ध्यान देने के बजाय बेचारी शिवानी अपनी ही साथी यानी राधा दीदी के साथ बुरी तरह उलझ चुकी हैं। पहले राधा ने सामने आकर शिवानी पर जो आरोप लगाए थे उसकी जानकारी हमने आपको पिछली खबर में दी थी, लेकिन अब शिवानी ने फिर से सामने आकर वो सारे सबूतों से पर्दा उठा दिया है जो अब तक उनके और राधा के बीच ही थे। इसके साथ ही शिवानी ने राधा से अपने सारे रिश्ते भी तोड़ दिए हैं और ऐलान कर दिया है कि वे अब राधा को दीदी कहकर नहीं पुकारेंगी, न कभी उनके घर जाएंगी। शिवानी ने जो सबूत पेश किए हैं वो आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको राधा दीदी की वो हकीकत बताते हैं जो अब खुलकर सामने आ चुकी है। दरअसल शिवानी के गांव में ही रहने वाली राधा दीदी को अब खुद एक सोशल मीडिया स्टार बनने का जुनून सवार हो गया है। अपने इसी जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने किसी सोशल मीडिया के जानकार युवक का सहयोग भी लिया। खुद को फेमस करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप पहले से विख्यात किसी शख्सियत को बदनाम करना शुरू कर दें, और शायद यही तरीका राधा ने शिवानी के खिलाफ अपना लिया। जब से राधा ने शिवानी कुमारी को लेकर खुलासे करने शुरू किए तभी से वो सोशल मीडिया पर छाने लगी। पहले राधा ने शिवानी से कुछ और कहा, लेकिन जब बाहर के कई यूट्यूबर इंटरव्यू लेने आ धमके तो कैमरे पर कुछ और ही कहानी कह दी। इस चक्कर में शिवानी की बदनामी होना शुरू हुई तो बैठे बैठाए राधा दीदी की टीआरपी बढ़ने लगी। आपसी लड़ाई को कैमरे पर लाकर दोनों ने मामले को और भी तूल दे दिया है, हालांकि शुरुआत राधा की ओर से ही की गई थी। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि शिवानी कुमारी क्या सबूत पेश करके राधा से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुकी हैं। शिवानी कुमारी ने अपने चैनल पर एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें अपने सहयोगी अभिषेक और राधा दीदी के बीच की फोन कॉल को सबके सामने रख दिया है। इस ऑडियो में सुनाई दे रहा है कि राधा अभिषेक से माफी मांग रही है और अभिषेक पूछ रहा है कि जब 30 तारीख को हमने आपके चैनल का लॉगिन आपको दे दिया तो फिर आपने 31 तारीख को वीडियो में हम पर झूठे आरोप क्यों लगाए। इस पर राधा कहती है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद शिवानी खुद फिर से राधा के घर भी गई और कहती हैं कि अब क्यों हम पर झूठे आरोप लगा रही हो, आपको अपना काम करना है तो करो, मेरे नाम को क्यों बदनाम करती हो। इस पर राधा खुलेआम लड़ाई करने पर उतारू हो गई और कहने लगी मेरे घर को आग लगा दो, मेरा मुंह बंद कर दो। शिवानी ने अपने वीडियो में राधा से सारे रिश्ते तोड़ने और उन्हें दीदी कहने में भी शर्म महसूस करने की बात भी कही। शिवानी के तमाम सवालों से राधा बचते हुए नजर आई और इस वीडियो को देखने के बाद दर्शक भी अब कह रहे हैं कि अब तो साफ हो चुका है राधा ही झूठ बोल रही थी, शिवानी ने कुछ गलत नहीं किया होगा। हालांकि जब राधा ने पहली बार आरोप लगाए थे तो सोशल मीडिया पर लोग शिवानी कुमारी के खिलाफ खड़े हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।